ये बताओ, आपसे कोरोना के टेस्ट के कितने किसने पैसे मांगे? वो यहीं पे चार लोग बैठे थे, पांच में वो कुर्सी पे बैठे थे, उन्होंने दोनों लोगों ने वो जा रहे वहाँ पे, उन्होंने पैसे मांगे, बोले कि अंदर महेंद्र शुक्ला का नाम बताया है, बोले वो फीस लेते हैं अंदर और 300 रुपये पड़ते हैं, और क्या बोलते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हो और ऐसे नहीं बनेगी। पहले कोरोना के नाम पर बेरोजगारी, फिर भूखमरी और सामूहिक मौतें बांटी गईं, फिर दान के नाम पर लाखों करोड़ रुपए बटोरे गए, साथ ही कोरोना पॉजिटिव बताकर मानव अंग निकाले जाने का खेल किया जाने लगा। स्कूलों को उगाही की पूरी छूट दे दी गई, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के जरिए गुलाम जनता को नोचा जा रहा है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, घर से निकलते ही सरकारी रंगदारी वसूली के नए नए ठिकाने चालू किए गए। इतने से भी मन नहीं भरा तो अब कोरोना जांच के नाम पर उगाही भी शुरू कर दी गई। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है। सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का शाहजहांपुर, जहां जिला अस्पताल यानी योगी के अस्पताल में कोरोना जांच की 300 रुपए फीस मांगी जाने का मामला सामने आया है। दरअसल शाहजहांपुर के गांव बिजलीपुरा की रहने वाली सोनाली को राजस्थान जाना है, इसलिए वो कोरोना की जांच के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में बने कोरोना जांच केंद्र पर गई और जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा। वहाँ स्टाफ ने 300 रुपए फीस मांगी। महिला के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसकी जाँच रिपोर्ट नहीं दी गयी। मामला मीडिया में आने पर मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। तो हमने कहा कि इनको डॉक्टर साहब से बात करा दो। नहीं नहीं, इन्होंने कहा था आपसे बात हुई थी? मेरे बात कोई नहीं हुई। क्या बात? उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात करा दो। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे डॉक्टर साहब से बात करा दो। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा मैं गाड़ी में तेल भराने जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब इन्होंने पैसों का नहीं कहा? इन्होंने पैसे के लिए नहीं कहा, इन्होंने ये कहा कि कमरे पे जाके बात करो, और हमने कहा कि बात करा दो। भाई, कोविड की जांच इस समय 4 बजे तक होती है, 4 बजे के बाद नहीं होती है, और उसकी रसीद कटती है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, ना मेरी इनसे कोई बात नहीं। पैसों के नाम हम लोगों ने दिया, तब इन्हें कहा जाओ अपने यहाँ मिलियो डॉक्टर। अच्छा, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मेरी कोई बात नहीं। खाली ये बताओ, आपसे कोरोना के टेस्ट के कितने किसने पैसे मांगे? वो यहीं पे चार लोग बैठे थे, पांच में वो कुर्सी पे बैठे थे, उन्होंने दोनों लोगों ने वो जा रहे वहाँ पे, उन्होंने पैसे मांगे, बोले कि अंदर महेंद्र शुक्ला का नाम बताया है, बोले वो फीस लेते हैं अंदर और 300 रुपये पड़ते हैं, और क्या बोलते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हो और ऐसे नहीं बनेगी, बाहर की बनवाओगे तो ऐसे ही दे देंगे, अंदर से बनवाओगे तो पैसे लेंगे। कितने पैसे? 300 रुपये मांग रहे हैं, और उल्ट फिजूल बातें कर रहे हैं कि नहीं बना पाएंगे, जाओ जिससे मतलब बनवाना हो बनवा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनाली। पति का नाम क्या है? पति का नाम सुशील। कहाँ रहती है?